26 जुलाई 1999 को समाप्त हुए कारगिल युद्ध को 20 साल हो चुके हैं। इस युद्ध में भारत के सैनिकों ने बहादुरी से लड़ते पाकिस्तान की सेना को हार की धूल चटाते हुए विजय हासिल की। इस विजय दिवस को याद करते हुए आर्मी की डोगरा रेजिमेंट की तरफ से बटाला में जलंधर रोड पर बनी जंगी शहीदों की यादगार पर मनाया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सलामी दी गई। इस मौके आर्मी के उच्च अधिकारियों समेत एक्स आर्मी सर्विसमैन और लोगों के द्वारा शमूलियत की गई। ये साढ़े जोड़े से बहुत जवान जोड़े शहीद होए, परंतु ये गौरमेंटा जीडिया ने उदो कर लेंदिया ने वादे, पर बाद में पूरे नहीं कर दिए। ये जो वादे है इन्होंने जो शहीद है एक अपनी सरमाया छड़ जाते हैं अपनी कौम वास्ते किसी भारत वास्ते, इन्होंने जिन्ना भी हक दे वो भी थोड़ा, इस करके इन्हों गवर्नमेंट चाहिए भी इन्हों का जो हक है रखना नहीं चाहिए, इन्होंने देना चाहिए। राजनीति ज़्यादा नहीं है अपने भारत में, पर फिर थोड़ी बड़ी है इन्नी नहीं, इतने नहीं है। जिस टाइम ये कारगिल वार हुई ऐसे सोनामार्ग डिप्लाई और कारगिल वार के द्रास एरिए द्रास सैक्टर के जो अं रोड ओपन कराया है जिथे हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमार्ग के कुछ ट्रेंड नुमाइंदे वो हाजिर ही, तो एक बहुत ही मतलब कठिन हालत जी ये वार आई लड़ाई दे जो साड़ी गवर्नमेंट आ सिर्फ आने वायदे तक ही सहमत आ, जैसे कि आज देश ही रहे अज तक तकरीबन 1500 दिन जंतर मंत्र हो रहा, जो एक्स सर्विसमैन कारगिल वार वाले कोई शहीद होए कोई विधवा बीबिया उन्हों की वन रैंक वन पेनशन उत्थे रोई जा रहा, गौरमेंट दे कोई अजे तक मतलब के कन्ना दे जूं तक नहीं सरकी कि अं उन्हों को जाके उन्होंने कोई उन्हों का हक बनता है। एंस्टा न्यूज़ के लिए गुरदासपुर से जसविंदर बेदी की रिपोर्ट।